तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग साउथ कोरिया का वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी मूवी एंड सीरीज कवर किया। एंड आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट ज़ॉम्बी मूवी एंड सीरीज देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। सेवेंथ नंबर का मूवी पेनिनसुला, जो 20 मई एक्शन हॉरर थ्रिल मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी है ट्रेन टू बुसान के 4 साल बाद साउथ कोरिया के हालात कैसे हैं, लोग अभी भी साउथ कोरिया में जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एंड वहीं पर हांगकांग शहर के एक एरिया को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है क्योंकि उस एरिया में केवल ज़ॉम्बी रहते हैं। एंड एक मिलियनर का $20 लाख एक ट्रक में फंसा हुआ है उस शहर में। एंड वो मिलियनर एक टीम भेजता है उस शहर से पैसा निकाल कर लाने के लिए। तो ऐसे में उसके आगे क्या कुछ होता है जानने के लिए इस मूवी देखो। एंड आपको डिसेंट स्टोरी के साथ बाप लेवल की जो भी आप देखना है तो इस मूवी को मिस मत करना। एंड ये मूवी आपको G5.5/5 आई एम रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। जल्दी अंदर आओ। सिक्स नंबर का सीरीज है डार्क होल, जो दो है 21 में एक एक्शन फैंटेसी मिस्ट्री सीरीज है। एंड इस सीरीज का स्टोरी जो अपना लीड कैरेक्टर जिसका पति का मर्डर हो गया है। एंड वो अपने पति का मर्डर का मिस्ट्री सॉल्व करते करते उसे पता चलता है कि शहर का बाहर एक डार्क होल है जिससे स्मोक निकल रहा है। एंड जो भी इंसान उस स्मोक के संपर्क में आता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। तो ऐसे में सब कौन कर रहा है, क्या अपना लीड कैरेक्टर के पति का मर्डर का कनेक्शन उस डार्क होल से, क्या ये सब कोई मॉन्स्टर क्रिएचर कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ जानने के लिए इस सीरीज को देखो। एंड इस सीरीज को तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल सकते, बट एक अच्छा सा मिस्ट्री एक्शन ज़ॉम्बी आपस देखना है तो इस चीज को मिस नहीं कर सकते हो। एंड ये सीरीज आपको MX 6.1 आई एम रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अगर वो जल्लाद वाकई आ गए तो फिफ्थ नंबर का सीरीज है हेलबोर्न, जो है कई इसमें क्राइम ड्रामा फैंटेसी सीरीज है। एंड इस सीरीज की स्टोरी एक प्रोफेसर की जो लोगों को बोलता है कि तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है क्योंकि तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। एंड उसी टाइम पर नरक से 3 मॉन्स्टर आते हैं एंड खुले आसमान के नीचे उन लोगों को मार डालते हैं। तो ऐसे में इसके पीछे का क्या रहस्य है, सब कौन कर रहा है, सब कुछ जानने के लिए सीरीज को देखो। एंड आपको एक अच्छी मॉन्स्टर क्रिएचर टाइप की सीरीज देखना, जैसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाए तो इस सीरीज को मिस मत करना। एंड इस सीरीज आपको Netflix पर 6.6 आई एम रेटिंग साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फोर्थ नंबर का सीरीज स्वीट होम, जो 2020 में ड्रामा फैंटेसी हॉरर सीरीज है। एंड इस सीरीज की स्टोरी हायुन की, जो एक स्कूल का स्टूडेंट है जो अपने फैमिली को एक दुर्घटना में खो दिया। एंड उसके स्कूल के दोस्त उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं, तो हायुन मजबूरन अपने घर छोड़कर शहर के एक बिल्डिंग में रहने के लिए आता है। एंड अकेले में हायुन को बुरे बुरे सपने आते हैं जिसकी वजह से हायुन सुसाइड करने की कोशिश करता है। बट ट्विस्ट तो तब आता है जब एक वायरस की वजह से पूरे शहर में इंसान मॉन्स्टर में बदल रहे हैं एंड धीरे धीरे उस बिल्डिंग में भी मॉन्स्टर हावी होने लगता है। तो हायुन एंड उस बिल्डिंग में बचे हुए लोग से उस मॉन्स्टर के बीच में सरवाइव करते हैं, सब कुछ जानने के लिए इस सीरीज को देखो। एंड आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी एक्सपीरियंस करना है जिसका मिस्ट्री हॉरर आपका सांस से रोक दे तो इस सीरीज को मिस मत करना। एंड अभी तक इस सीरीज का 2 सीजन आ चुका है जो आपको Netflix पर 7.3 आईएम रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये सब हो क्या रहा है, ट्रेन टू बुसान वाला सीन। थर्ड नंबर सीरीज है ऑल ऑफ अस आर डेड, जो 2022 में एक एक्शन ड्रामा फैंटेसी सीरीज है। एंड इस सीरीज की स्टोरी है साउथ कोरिया के एक स्कूल की, जहां पर एक टीचर लैब में साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसकी वजह से पूरे स्कूल में एक वायरस फैल जाता है। एंड जो भी स्टूडेंट उस वायरस के संपर्क में आता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। एंड लगभग इस स्कूल के आधा से ज्यादा बच्चे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। एंड जो भी बच्चे उस वायरस के संपर्क में नहीं आए वो बच्चे कैसे उस ज़ॉम्बी के बीच में सर्वाइव करते हैं, सब कुछ जानने के लिए सीरीज को देखो। एंड इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी स्टोरी टेल एंड ज़ॉम्बी आपा, जो आपको दिमाग घुमा के रख देगा। एंड आपको फुल ज़ॉम्बी आपा देखना है सीरीज में 100% रिकमेंड करूंगा। एंड इस सीरीज आपको Netflix पर 7.5 आई एम रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। सब पीछे हो जाओ। सेकंड नंबर का मूवी है ट्रेन टू बुसान, जो 2016 में एक एक्शन हॉरर थ्रिल मूवी है। एंड इस मूवी की स्टोरी है जब साउथ कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है तो सियोल से बुसान जाने वाले ट्रेन के पैसेंजर उस ज़ॉम्बी के बीच में कैसे सरवाइव करते हैं जानने के लिए इस मूवी को देखो। एंड देखिए जितना सिंपल मैं स्टोरी बताया उतना सिंपल है नहीं। एंड आपको अच्छी स्टोरी एक्सपीरियंस करना जिसका एक्शन ज़ॉम्बी आपका नेक्स्ट लेवल की हो तो इस मूवी को मिस मत करना। एंड मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेन टू बुसान से ज़ॉम्बी मूवी का एक अलग पहचान मिली थी, तो सोच इस मूवी के लेवल क्या होने वाला है। एंड ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर 7.5 आई एम रेटिंग के साथ हिंदी में देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर का सीरीज है किंगडम, जो 2019 में एक एक्शन ड्रामा हॉरर सीरीज है। एंड इस सीरीज की स्टोरी है ली चंग हू की, जो अपने किंगडम का प्रिंस है। एंड उन्हें लगता है कि उनके बीमार पिता की मृत्यु की सच्चाई छुपाई जा रही है एंड उनके किंगडम में उनके पीछे कोई साजिश कर रहा है। तो ली चंग हू इसके पीछे की सच्चाई पता करने के लिए एक एडवेंचर जर्नी पर निकलते हैं। एंड उस दौरान उनको पता चलता है कि उनके राज्य में एक प्लेग जैसा बीमारी फैल रहा है जिसकी वजह से इंसान ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। तो ऐसे में उसका क्या कुछ होता है जानने के लिए सीरीज को देखो। एंड देखिए यार पर्सनली इस सीरीज की स्टोरी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। एंड आपको मस्त एडवेंचर ज़ॉम्बी आपका एक्सपीरियंस
मिस करना है तो इस सीरीज को मिस मत करना। एंड अभी तक इस सीरीज का 2 सीजन आ चुका है जो आपको नेटफ्लिक्स पर 8.3 आईएमडीबी के साथ इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। एंड आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।